ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। परियोजना का निर्माण करने वाले केंद्र और प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रम SJBN को NTPC में मर्ज करने की प्रक्रिया का सीटू संगठन ने कड़ा विरोध किया है। रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान सीटू राज्य उपाध्यक्ष बिहारी सेब की सहित नाथपा झाकड़ी और रामपुर परियोजना के मजदूर नेताओं ने इसका विरोध किया है। देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना का निर्माण करने वाले केंद्र और प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रम NTPC में मर्ज करने की प्रक्रिया का सीटू संगठन ने कड़ा विरोध किया है। रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान सीटू राज्य उपाध्यक्ष बिहारी सेब की सहित नाथपा झाकड़ी व रामपुर परियोजना के मजदूर नेताओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि SJBN प्रदेश में ऐसा उपक्रम है कि जिसने प्रदेश में CSR के तहत कई काम किए, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि निगम वर्तमान में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन 1500 मेगावाट और रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन 412 मेगावाट 1912 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जिससे 2700 करोड़ वार्षिक आय होती है और 37% विद्युत उत्पादन का हिस्सा हिमाचल का है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार 5 अन्य विद्युत परियोजनाएं लूहरी स्टेज 1 210 मेगावाट, लूहरी स्टेज 2 172 मेगावाट सुन्नी 382 मेगावाट, जांगी ठोपन 780 मेगावाट और धोला सिद्ध 66 मेगावाट को भी SJBN को दे रही है। निगम कई हजार करोड़ का निवेश करने वाली है। इसमें 10,000 से अधिक प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस निगम में प्रदेश के 40% से अधिक कर्मचारी हैं और करीब 2,000 मजदूर। निगम हमेशा मजदूरों के हितों का ध्यान रखता आया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री समेत सांसदों विधायकों से भी इस मामले को उठाएंगे। रोजगार है, इसलिए जो है नाथपा झाकड़ी में भी हमने जो है 2011 के बाद कंटिन्यू लड़ाई लड़के ही जो है ये सारे बेनिफिट जो आज हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे को आज मिल भी रहे, अगर ये NTPC को जाता हो तो हमारे को जो किस तरह से जो है आने वाले टाइम में सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम जो है 2019 का जो बजट पेश किया है अभी नई सरकार ने, उस वक्त ये बात आज सामने आई कि जो देश के 19 PSUs को ये मर्ज करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, जिसमें से सतलुज जल वित्त निगम भी एक है, इसको NTPC में मर्ज करना चाहते हैं। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का जॉइंट वेंचर था और इक्विटी जो इसमें थी वो 3:1 थी, तीन हिस्सा केंद्र सरकार थे, एक हिस्सा राज्य सरकार का था। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इनका, आर्टिकल जो एसोसिएशन है इसका कंपनी एक्ट में, उसमें क्लियर लिखा है कि ये हमेशा के लिए रहेगा, ऑल टाइम में रहेगा, और लोन भी हो तो इसी रेशो में दोनों गवर्नमेंटें करेंगी।